शिखंडी, हम सब शिखंडी को जानते हैं। मैं उसी शिखंडी की आखिरी वंशज हूँ। जी हाँ, मैं शिखंडी की आखिरी वंशज हूँ, इसलिए मेरे नाम के आगे श्री लिखा हुआ। आपको शायद तकलीफ होगी, गुस्सा आएगा कि एक ट्रांसजेंडर, एक किन्नर जिसे चौराहे पे होना चाहिए था, हमारे सामने हाथ फैलाने चाहिए थे, गिड़गिड़ाना चाहिए था, वो श्री क्यों लगा रहा है और यहाँ कॉन्फिडेंस से बात क्यों कर रहा है। आप सब स्कूल में पढ़े, पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी, नपुंसकी लिंगी, क्या आप में से किसी ने अपने गुरुजनों को पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड जेंडर? नेवर, इवन आई नेवर, क्योंकि हमें कभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग मुझे देखते हैं, हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे उसके फर्क नहीं पड़ता और मैं परवाह ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं उस शिखंडी की आखिरी वंशज हूँ जो आपकी राजा थी। और राजा बनने के लिए परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। परिपूर्णों की सीमा या व्यास जो होता है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। फिर मेरे पूर्वज राजा कैसे थे, इसका जवाब आप दोगे। और आज मैं हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे हाथ क्यों फैला रही हूं, इसी का जवाब भी आप दोगे। मैं गौरी, गौरी बनना इतना आसान नहीं था। यस, आई वॉज अ बॉर्न एज अ मेल, आई वॉज अ गणेश इन टिपिकल महाराष्ट्र मिडिल क्लास फैमिली। एक बड़ी बेटी के बाद मैं पैदा हुई थी। घर में बहुत खुशी थी कि 10 साल के बाद लड़का हुआ था। पिताजी बहुत खुश थे, माँ एज यूजुअल सभी के लिए खुश होती, उस तरीके से मेरी माँ भी खुश थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, पिताजी को पता चल गया कि गणेश गणेश नहीं है और उसको ज्यादा तकलीफ, मुझसे ज्यादा तकलीफ उन्हें होने लग गई। मैं हमेशा कहती हूँ, समाज पहला समाज होता है बच्चों के लिए अपने माँ बाप, दूसरा समाज होता है बहन भाई और स्कूल का एनवायरनमेंट, और तीसरा समाज आप सब। और हम वही समाज में आते हैं जो पहले समाज से किक होके डायरेक्ट तीसरे समाज में चले जाते हैं। इसलिए शायद मैं थोड़ी रूढ़ हूँ, थोड़ी बदतमीज हूँ, थोड़ी अग्रेसिव हूँ, हर चौराहे चौराहे पे मेरा ध्वजारोहण करती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा, मेरे ताली के पीछे का आक्रोश कभी आपने समझने की कोशिश की है? शायद जरूरी नहीं समझा होगा। जिस गांव हमें जाना नहीं होता है, उसका हम टिकट निकालते ही नहीं, ना ही गूगल पे कभी सर्च करते हैं, जरूरत ही क्या है। पर मुझे कहते बहुत खुशी होगी कि मेरा जन्म आप जैसे ही सो कॉल हेट्रोसेक्सुअल पिताजी और माताजी के साथ हुआ था, पर आज मैं यहां हूं। इसका कारण, क्योंकि मैं तृतीय पंथी हूं। समाज ने बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे उठा के रख दिया। नपुंसक की लिंगी हमारे वेदों में है, शंड क्लिब नपुंसक का सभी के बारे में विवरण किया गया। इतिहास से मैं शुरू करती हूं। अर्जुन, सबसे धनुर्धर विद्या वाला अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहते थे, पर अर्जुन ने भी जिंदगी के 6 साल बृहन्नडा था। वो क्या था? दैट वॉज अ क्लिब, शंड, अक्रॉस रेसर। कौन जवाब देगा? शिवा, जिसने आधा शरीर अपने स्त्री को दिया है, पार्वती को दिया है, और वो खुद अर्धनारी नटेश्वर है जिसकी हम पूजा करते हैं। विष्णु, जिन्होंने बहुत पहले से एक्सचेंज ऑपरेशन किया था और मोहिनी अवतार किया था, उनको आपके घरों में रखा गया है। पर मुझे आपके घरों में, घर तो छोड़ दीजिए, आपके दिलों में भी स्थान नहीं है। आप मुझे देखते हो, हंसते हो, कभी तरस खा के 1-2 रुपया फेंक भी देते हो। मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूं, पर यह स्थिति अभी की है, पहले मेरी यह स्थिति नहीं थी। मैं राजाश्रय में थी, राजाओं के पास महलों में मैं काम किया करती थी, रानियों की देखभाल किया करती थी, क्योंकि मैं बहुत ट्रस्टेबल व्यक्ति थी। मैं ऐसी बंदी थी जिसकी नीड्स बहुत कम थी। मेरा अपना तो कोई नहीं था, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो गए। जी हाँ, मैं उसी की तरह थी। मैं, मेरे सारे तृतीयपंथी इसी के तरीके से सिर्फ प्यार के भूखे थे, समाज ने कभी अपनाया नहीं। पर एंगर के अलावा दुनिया में स्प्रेड खुशी करने के लिए मैं आपके चौराहे पे आती हूँ। जब आपके घर में शादी होती है, कुछ अच्छा फंक्शन होता है, मैं आ जाती हूँ, आपके खुशी में मेरी खुशी ढूंढती हूँ। वो था ट्रांसजेंडर युग, पता नहीं वो कहाँ गया। ये तो इतिहास हो गया, आप इतिहास में क्यों रुचि रखोगे? आज की बात करते हैं। आई द इंडियन सिटीजन, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा है आई द इंडियन सिटीजन, कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं लिखा है मैं पुरुष, मैं स्त्री। फिर आप किस बात का गुरूर करते हो? आपने मुझे किस तरीके से यहां से निकाल के फेंक भी दिया। 2014 में मैं सुप्रीम कोर्ट गई, मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं, क्योंकि मैं भी भारतीय हूं, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे बहन भाई है, मैं आप ही की तरह भी पड़ी हूं।
पर 2014 में मुझे सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जाना पड़ा। मेरे लिए बहुत खेद की बात है, पर जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध पिलाती नहीं। जब मैं 2014 में सुप्रीम कोर्ट गई टू फाइंड माई आइडेंटिटी, हु द हेल आई वॉज, एलियन तो नहीं थी मैं? क्या मुझे सो खून माफ थे? मुझे मेरे ब्रेड एंड बटर के अलावा भी मेरी आइडेंटिटी बहुत जरूरी थी। अगर आप सोच लिए कल को अगर आपके आगे का मिस्टर या मिसेस हट जाएगा कितनी तकलीफ होती है, मेरे तो बेसिक वजूद नहीं थे। और आज मैं सिर्फ केवल 5 साल की बच्ची हूं और आप स्वतंत्र भारत के 70 साल के नागरिक हो, आपको मेरे बोल सुनने ही पड़ेंगे। 2014 ये तालियां जब बजती है ना, मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरी ताली आपको नफरत पैदा करती है, घृणा पैदा करती है, आप उससे डरते हो, और आपकी ताली से मैं कोसों दूर हूं। ये तालियों का अंतर कभी ना कभी हमें मिटाने जरूर होंगे, सोचिएगा जरूर। 2014 सुप्रीम कोर्ट जाने की वजह भी ऐसी थी। आई रन अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सखी चार चौघी ट्रस्ट। आई वर्क विथ फीमेल सेक्स वर्कर्स एंड एज वेल एज ट्रांसजेंडर्स। यस, आई एम इन सेक्स वर्क। मेरी बहनें सेक्स वर्क भी करते हैं। अब ये मत पूछिए कि उनके पास कौन आते हैं। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, लोग ही आते हैं, तभी तो मैं बिजनेस करती हूँ। यस, ट्रांसजेंडर्स आर इन सेक्स वर्कर्स ऑल्सो। एचआईवी एड्स का प्रोग्राम चलता है जिसके तहत कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फीमेल सेक्स वर्कर्स और ट्रांसजेंडर इकट्ठा काम करते हैं। एनजीओ का ऑफिस खुला वातावरण होता है, लोग जमीन पर बैठ के खाना खाते हैं। उस तरीके से एक दिन मैं खाना खाने बैठ रही थी, एक औरत आई, उसने मुझे पूछा, अम्मा अचार है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दो माई हैंड राइटिंग इज वेरी बैड, आई एम अ नॉट डॉक्टर। मुझे पूछा, अम्मा अचार है, और मेरी ये आईब्रो 90 डिग्री ऊपर करके यूं किया, दैट मीन्स आर यू प्रेग्नेंट। कितनी छोटी छोटी बातें होती है ना, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते। शी जस्ट स्माइल एट मी, शी वेंट अवे। किसी को जिंदगी में आचार दिए हुए बंदे को आप कब तक याद रखोगे? मैं तो भूल चुकी थी, मैं तो मेरे पिताजी को, माताजी को, सो कॉल बहन भाइयों को तक भूल चुकी हूं। आचार वाली को मैं कब तक जिंदगी में पल्लू को बांध के घुमा सकती थी? बिल्कुल नहीं। 5 साल बाद मेरे एक स्टाफ ने मुझे कहा, अम्मा डू यू रिमेंबर दैट लेडी? आई से नो। उसने कहा, शी वॉज एचआईवी पॉजिटिव। व्हाट अ बिग डील, आपके लाइन लिस्टिंग में से उसका नाम हटा दो, कट कर दो। उसने कहा, नहीं माँ, शी वॉज एचआईवी पॉजिटिव। हाँ मुझे पता है, आगे बोलो, एचआईवी में काम करते तो लोग उसे ही मरेंगे। उसने कहा, उसकी छोटी बच्ची है। आई स्टॉप माई सेल्फ। जब मैं चली गई, छोटे से 10x10 के कमरे में सब सामान बिक रहा था, गैस का बाटला बिक रहा था, सब बिक रहा था। एक पठान ने आके कहा कि इसने मेरे 2 लाख देने, मैं बच्ची ले जाऊंगा। उस वक्त मैं रोक ना सकी, मैं सोशल वर्कर हूं, डू आई एम अ पेड सोशल वर्कर। इंसानियत कहीं ना कहीं मुझ में अंदर थी। मैंने बच्ची का हाथ पकड़ लिया। मुझे ए से लेकर जेड तक अच्छी गालियां भी आती है, ध्वजारोहण का कार्यक्रम मैं भी कर सकती हूं। सब करने के बाद बच्ची का हाथ जब मैंने थामा और मैं घर लेके आई, पहला सवाल मेरे गुरु ने पूछा, इंसान का बच्चा? दैट वॉज फर्स्ट स्लैप ऑन माई फेस, इंसान। मेरे गुरु ने डिसाइड कर लिया था, इतने दिनों तक मैं भी डिसाइड करने लगी थी कि हम इंसान नहीं है। मैंने कहा हाँ, और गायत्री मेरी जिंदगी में आई। गायत्री की स्टोरी आप लोगों ने विक्स पे देखी होगी, लोगों ने बहुत सराहा मुझे स्टोरी के बारे में, पर मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे और मेरे गुरु के रिश्ते को आपने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपका बच्चा जब मैंने गोद लिया, आपने मुझे मदरहुड का किताब दे दिया, अ फर्स्ट ट्रांसजेंडर लेडी मदर। क्या एक दिन मैं बंगालीपुरा, जो कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया, वहां पे गई, दो बांग्लादेशी लड़कियां सेक्स वर्क कर रही थी। मैंने किसी को कहा, जा 120 पान लेके आ, शी डिड नॉट टर्न। जब मैं उसके कमरे में चली गई तो देखी वो सेक्स वर्क कर रही थी, बाजू में छोटा सा बच्चा रखा था, जो बच्चा अपने माँ के दुपट्टे के साथ खेल रहा था। कितना प्यारा दृश्य लगता है, भरी दोपहर के वक्त बच्चा माँ के पल्लू के साथ खेल रहा है। और जैसे मैंने टर्न किया, एक अंकल, मेरे पिताजी, मेरा भाई अपनी पैंट की जिप लगा रहा था। ये शी वॉज डूइंग अ सेक्स वर्क। एक औरत बच्चे को बाजू में रख के सेक्स वर्क कर रही, वो आदमी उसको रोन रहा था, नोच रहा था, वो कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने जितने ताकत से कर्टन खोला था, उससे कई गुना ताकत से मैंने कर्टन बंद कर दिया। बच्चे को उठाया, उसके बदन से सुसु, ग्राइप वाटर, सब मिक्स बास आ रहे थे। ओला बुक किया, मैं घर चली आई। आई वॉज डिस्टर्ब। और उस वक्त मैंने तय किया कि मैं इन बच्चों के साथ काम करूंगी, और वो काम था नानी का घर। यस, इसका मराठी में मीनिंग है आजी का घर। मैं आज उसके ऊपर काम कर रही हूं, जिसका नाम है नानी का घर। यहां पे मैं कचरे में फेंकी हुई बच्चिया उठा के लेके आती हूं। मोटिव सिर्फ इतना ही है, सेव द गर्ल्स, बेटी बचाओ। बच्ची, मेरी बच्ची सेक्स वर्कर्स की बच्ची कॉन्डम के साथ खेलते। आपके बच्चे फेरेक्स खाके भी ताल मोटेल अच्छे दिखते, मेरी बेटी रागी का आटा खाके भी गोलमोल दिखती है। मेरी बेटी कॉन्डम के साथ खेलती है।
बच्ची को भविष्य पता नहीं होता, या तक माँ भी तय नहीं करती कि बच्ची आगे कहाँ जाएगी। टू सेव द गर्ल, इसलिए हमने कहा कि नानी का घर, जो कंसेप्ट ऑल ट्रांसजेंडर्स, मातृत्व का एहसास मुझमें भी तो है। मैं हमेशा कहती हूँ मदरहुड इज अ बिहेवियर, टू लव समवन, टू केयर समवन, दैट इज अ मदरहुड। हम यहाँ सभी बैठे हैं, सभी माँ है। एक्स वाई क्रोमोसोम आप ही तो पढ़े हो, आपने ही तो बना के दिया है। उसी तरीके से हमारे सब में अंदर मातृत्व कूट कूट के भरा है। तो मातृत्व को हम लेबल क्यों दे सकते हो? मैं माँ नहीं हूं, आप माँ नहीं हो, सोचिएगा जरूर। नानी का घर, हम इस बच्चों के साथ काम करते, इतना आसान नहीं है। जब मैं एक ट्रांसजेंडर होके एक बच्ची को लेके चलती हूँ, लोगों की नजरें ऐसी रहती, अरे ये बच्ची के साथ क्या करेगी, इसे बेच खाएगी, इसे धंधा करवाएगी। पर कभी आपने ये सोचा है, जिस हाथ से या ताकत से मैं उस बच्ची को पकड़ती हूँ, और वो जिस ताकत से भरोसे से मेरा हाथ पकड़ती है, वो विश्वास। आई ऑलवेज से डोंट आस्क सोसाइटी व्हाट दे हैव डन फॉर अस, इट्स आवर ड्यूटी टू प्रूव फॉर योरसेल्फ दैट व्हाट यू आर गोइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी। मुझे आप हमेशा यही पूछोगे कि ट्रांसजेंडर्स ये नहीं कर सकते, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं आपकी तरह पढ़ लिखना चाहती हूं, मैं आपके बाजू में बैठना चाहती हूं, मैं मेनस्ट्रीम में काम करना चाहती हूं, बधाई, बस इज माय कल्चर। पर उसी के साथ साथ मैं मेरा वजूद बनाना चाहती हूँ सोसाइटी में। आप जब ट्रांसजेंडर्स को देखते हो, आपके मन में बहुत सारी धारणा है, पर यदि कहीं आपके नर्सरी टीचर अगर कोई ट्रांसजेंडर होगी, तो बचपन से आप ये देखोगे कि ये टीचर भी बन सकती है। पीपल शुड हैव टू अंडरस्टैंड, दो कदम मैं चली हूं, दो कदम आप चलिए। आजी का घर जब मैं चला रही थी, एक बच्ची मुझे कचरे के कूड़े में मिली। रात को मेरा सेक्स वर्कर, मेरा स्टाफ धंधा करने जाता है, हाँ सैलरी नहीं दे पाती हूँ ना, धंधा करने गई तब उसे एक बच्ची मिली जिसकी पेट चूहे मामा ने खाई थी। बच्ची इतनी स्ट्रांग है, पेट काटने के बाद भी कुछ हुआ नहीं था। बच्ची रो रही थी तो मेरे स्टाफ को लगा कि उसे कुछ खिलाना चाहिए। एक बिस्किट पानी में डाल के उसे खिलाया, उसे गैस्ट्रो हो गया। डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने तो पहले उसे देखा, कहाँ से, स्टोरी बताया, डॉक्टर ने पुलिस कंप्लेंट किया, सब हो गया। बच्ची इतनी वीक थी, डॉक्टर ने कहा कि माँ ये मर जाएगी शाम तक। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मरना अगर उसके नसीब में है तो ये पूरी रात वहां पे ठंडी में नहीं पड़ी होती और ना हमें मिलती, आप कोशिश तो करिए। और डॉक्टर ने कोशिश की, बच्ची तंदुरुस्त हो गई। बच्ची को माँ की दूध की बहुत जरूरत थी। फर्स्ट टाइम आई रियलाइज ब्लड बैंक जिस तरीके से होते हैं, उस तरीके से हमें ब्रेस्ट मिल्क के बैंक्स होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खून और दूध बना नहीं पाते हैं। फर्स्ट टाइम आई रियलाइज इन जिंदगी में हम क्या चाहिए। इंस्टाग्राम ट्विटर पे सब जगह डाल दिया कि ये चाहिए, पर बहुत मुश्किल होता है हमें। मैं हमेशा कहती हूँ कि तंदुरुस्त स्त्री तंदुरुस्त मन भी होता है। और जैसे पहले मैं कह चुकी कि वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, हमें खून तो देना ही देना है, दूध भी देना है, क्योंकि ये मेरे अनवांटेड बेबीज है जिनके आपकी दूध की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी माता एचआईवी पॉजिटिव होती है, वो चाहकर भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है। दूध जैसा दान कहीं पे भी नहीं है। फर्स्ट दिन मुझे रियलाइज हुआ जब बच्ची को मैंने उठाया और जब उसे दूध की जरूरत लगी, मैं सबके पैर पड़ती गई, प्लीज। किसी ने हाँ कहा, किसी ने नहीं कहा, मेरे पर्स में जितने पैसे थे वो देते गई, बच्ची सर्वाइव हो गई। आज छोटी छोटी बच्चियां जब तुम्हें आके लिपटती है, जब तुम्हारी पर्स हक से खोलती है, जब वो चॉकलेट नहीं पीती है या हरी सब्जी नहीं खाती, तुम चिल्लाते हो, मेरी नानी, मेरी दादी सब चिल्लाते, आई फील लाइक अ कंप्लीट फैमिली। What is the definition of family? चलो ये फासले, ये दूरियां मिटाना बहुत जरूरी है। Let's make a big family with all everyone. Forget the gender barriers. Leave it all. We are all are equal. मुझे हमेशा बुरा लगता है कि मुझे कब कोई थर्ड जेंडर कहता है। मर्दों को फर्स्ट जेंडर किसने कहा? औरत को सेकेंड जेंडर किसने कहा? चलो आप दोनों के लड़ाई में मैं बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट नथिंग इज बेटर समथिंग थर्ड जेंडर तो रिकग्नाइज हूँ। पर आज बहुत बुरा लगता है, इतना सब स्ट्रगल करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद भी स्टिल आई एम देयर। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा काम रुका नहीं है, ना ही मैं रुकूंगी। अब मैं कभी कभी हंस के मजाक से भी बोलती हूँ कि अरे श्रीगौरी, अब तुम्हारी जिंदगी पे तुम्हारा अधिकार भी नहीं है, क्योंकि आई एम आंसरेबल टू माई किड्स एंड टूवर्ड्स सोसाइटी। आई एम गोइंग टू प्रूव माई सेल्फ ईच एंड एवरी टाइम, ईच एंड एवरी मिनट। यस, मदरहुड, माँ बनने का एहसास जिंदगी में सभी को लेना चाहिए, खास करके पुरुषों को। जब हम जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, यू शुड हैव टू नो एंड दैट इज ओनली वन थिंग यू कैन गिव अ लव
ऐसा प्यार जिसकी रिटर्न की कोई उम्मीद नहीं है। जिंदगी में अगर तुम किसी को ऐसा प्यार दे सको जिसकी अपेक्षा नहीं रखोगे, तुम्हारे जैसे खुश नसीब तुम ही होगे। जाते जाते मैं इतना ही कहूंगी, अजीत सा घर इज नॉट ओनली माई, इट इज आ सोसाइटी। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि ये छोटी छोटी लड़कियां हैं जिन्हें हम अंधेरे में ढकेल नहीं सकते, जिन्हें हम नहीं चाहेंगे कि वो सेक्स वर्क में जाए, वो कई कली खिलने के पहले कहीं मुड़ ना जाए, कोई उन्हें तोड़ ना दे। इसलिए एक छोटा सा प्रयास जो मैं निकल पड़ी हूं, पर ये मेरा सफर अकेले का नहीं है, मुझे आप सबकी साथ चाहिए, जिसे हम कहते हैं नानी का घर, अजी का घर। ऑल आर वेलकम इन माई फैमिली। स्टिल एंड अनटिल आंख में चोली का खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप खुले भाव से, खुले मन से, खुले विचारों से ट्रांसजेंडर्स को अपनाओगे नहीं, उनके साथ बात नहीं करोगे। डॉक्टर, जिसे हम डॉक्टर को भगवान कहते हैं, वो तक मुझे हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होते। मेडिकल सुविधाओं से हमें वंचित रखा जाता है। मेरे न्याय प्रणाली में मुझे कोई न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे सरेआम कोई मस्करी करके चिढ़ा देता है, मेरा मजाक उड़ा देता है। मैं मजाक का पात्र हूं, शायद मैं वो फूल हूं जो मुझे देख के आपके दिल में खुशी आ जाए। जब मैं हरी चूड़ी बड़ी बिंदी पहनते हो, आप मुझे माताजी करके मेरे पैर पकड़ते हो, आप मुझसे दुआ मांगते हो। आपको पता है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप मुझसे दुआ मांगते हो। आप ब्लेसिंग दे दीजिए ना। ब्लेसिंग तो मैं जरूर दूंगी, पर ब्लेसिंग के साथ मैं ये भी चाहूंगी कि मुझे इक्वालिटी चाहिए। ऑल ट्रांसजेंडर्स नीड द सपोर्ट, नीड अ स्ट्रांग आइडेंटिटी। वी आर वेरी स्ट्रांग। हम लोग बोलते हैं व्हाट वी आर प्राउड व्हाट नेचर हैज गिवन टू अस। वी वॉन्ट अ इक्वालिटी। LGBTQ में अगर हम देखो, लैंगिकता ये हर एक का व्यक्ति स्वातंत्र निर्णय है, पर समाज तुम और हमसे बनता है, और समाज में दूरी तब खत्म होगी जब हम खुले दिलों से, खुले विचारों से हर रिश्तों को अपनाएंगे। और आज ये मौका है मेरे लिए टू टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर्स। जाते जाते मैं आप सबसे से यही उम्मीद करूंगी, लव लव एंड ओनली लव। एवरी कलर्स हैव देयर ओन ब्यूटी, प्ले विथ ऑल कलर्स, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद।